कोरोना महामारी के नाश के लिए महाकाल मंदिर में अतिरुद्र महामृत्युंजय अनुष्ठान चल रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में पंडितों द्वारा 1,25,000 महामृत्युंजय मंत्रों का जप किया जा रहा है। मंदिर के पंडित पुजारियों ने लोगों से अपील की है कि वह भी घरों पर महाकाल का जाप व प्रार्थना करें। देखिए यह खास रिपोर्ट। देश भर में लगातार कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। सभी जगह लोग कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए प्रयास कर रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी पुजारियों द्वारा अतिरुद्र महामृत्युंजय अनुष्ठान किया जा रहा है, जिसमें पुजारियों द्वारा 1,25,000 महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पंडितों द्वारा महाकाल मंदिर के नंदी हॉल में यह जाप सतत कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी ने कहा कि बाबा महाकाल से कोरोना महामारी के नाश के लिए प्रार्थना की जा रही है। पुजारी ने जनता से अपील की है कि वह घर में रहें और बाबा महाकाल से प्रार्थना करें। यहाँ पे हम सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा का अनुष्ठान चल रहा है, अति रुद्र चल रहा है। बाबा के यहाँ पर 75 ब्राह्मण बैठकर यहाँ पर बाबा से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र इस महामारी का नाश हो और संसार वापस से उसी व्यवस्था पर आ जाए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ये बीमारी अपना पैर पसाड़ चुकी है। और हम सब भक्तों से भी यही प्रार्थना करते हैं कि वो भी बाबा महाकाल से अपने जहाँ पर है घर में रहे, बाबा से यही प्रार्थना करें कि इस बीमारी का नाश शीघ्र अतिशीघ्र हो। मंदिर प्रबंध समिति द्वारा यह अनुष्ठान आयोजन किया गया है। नंदी हॉल में बाबा महाकाल के समक्ष यह अनुष्ठान किया जा रहा है। समूह में प्रार्थना करने से भगवान उसे स्वीकार करते हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि समूह में भगवान से प्रार्थना करें। श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति द्वारा ये अनुष्ठान जो आयोजित हो रहा है, एकादश दिवसीय अतिरुद्र अभिषेकात्मक अनुष्ठान है ये, और नंदी हाल में श्री महाकालेश्वर मंदिर के समक्ष, श्री महाकालेश्वर भगवान के समक्ष नंदी हाल में सामूहिक रूप से 77 ब्राह्मणों के द्वारा सामूहिक रूप से एक मंत्रोपचार के साथ में अनुष्ठान 5 घंटे लगातार किया जा रहा है। इससे एक संदेश जो है ये भी जनता के लिए है कि जनता जो है एक समूह में प्रार्थना यदि करती है, सामूहिक प्रार्थना का संदेश जो है जनता के लिए है, यदि समूह में प्रार्थना की जाती तो वो भगवान स्वीकार करते हैं। ये एक मंत्रोपचार जो एक गुंजायमान होता है, वो गुंजायमान शब्द ब्रह्म के रूप में जो है ब्रह्मांड में जाता है और वो प्रार्थना हमारी स्वीकार होती है। तो ये संदेश है कि आप भी अपने घरों में जहाँ हैं, जिस हाल में हैं, जहाँ भी आप बैठे हुए हैं, कम से कम 20-25 मिनट के लिए समूह में एक प्रार्थना करें। देखा जाए तो मंदिर के पुजारियों ने जनता से अपील की है कि वह घर में रहें और भगवान का जाप व प्रार्थना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, उज्जैन।